बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां छठ महापर्व को लेकर चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी काटने के दौरान धसना गिरने से 7 लोग दबकर घायल हो गए। घटना लाखों थाना क्षेत्र के लाखों कर्पूरी उच्च विद्यालय के पास पोखर की है। बताया जाता है कि राजापुर डुमरी गांव के 15 से 20 की संख्या में महिला और बच्चे छठ महापर्व को लेकर चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी काटने पोखर गए थे। मिट्टी काटने के दौरान अचानक मिट्टी का धसना गिर गया, जिसमें 4 महिला और 3 बच्चे दब गए। धसना गिरने से कुल 7 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी 7 लोगों को निकालकर इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि घायलों में विवेकानंद, बबीता देवी, नीतीश कुमार समेत 7 लोग घायल हुए हैं। धसना गिरने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं और घटना घटने के बाद अफरा-तफरी का माहौल घटनास्थल पर बना रहा। घटना की सूचना पर लाखों थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बेगूसराय से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। चल रहे हैं तो 10 मिनट में चलेंगे। आप सब और सब क्या नाम है आपका? जो बच्चा बच्चा जो तो छोटा छोटा वो बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा था, मतलब उसको थोड़ा सब मिल के, हाँ जो जितना भी सदस्य का टीम था जो सफाई सुथरा में लगा हुआ था, सब मिल के मदद किया और यहाँ का समाज सब सपोर्ट किया, जो कि बच्चा को निकालने में सक्षम हुआ। तो मतलब किसी का हाथ टूट गया, किसी का डांट टूट गया, मतलब नॉर्मल है लेकिन बच गया सब। 15-20 लोग था लेकिन उसमें 7 लोग अंदर में था, लगभग 2-3 बच्चे थे।